जनपद रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बीच मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती की अध्यक्षता में जनपद के सभी अधिकारी दूरस्थ गांव सावी पहुंचे, जहां बहुउद्देशीय शिविर के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 12 शिकायतें दर्ज की गई। इसी दौरान पार्किंग, पेयजल, शिक्षा, सड़क आदि से संबंधित समस्याएं भी दर्ज की गई, जिसमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसी दौरान ग्राम प्रधान सावी मनोरमा देवी ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध देवरिया ताल पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, लेकिन सावी गांव में अब तक उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके चलते यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यहां के सतत विकास के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम जिला अधिकारी महोदय जी का बहुत बहुत आभार, हम पूरी समस्त ग्राम सभा की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और समस्त कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस बारिश के मौसम में विकट परिस्थितियों में सभी लोग अपने स्टालों पे यहाँ उपस्थित हुए हैं और यहाँ पे अनेक विभागों के अलग अलग स्टाल लगे हुए हैं और अपने विभागों की सभी लोग जानकारियाँ दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले उद्यान विभाग, बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और तहसील परिसर, तहसील के और अन्य कर्मचारी लोग सभी उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अलग अलग स्टॉलों में अपना कार्य किया है और यहाँ पे जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग चेकअप करने आए हैं उन सबको निःशुल्क वितरण दवाइयाँ दी गई हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में सारी गाँव में मल्टीपर्पज कैंप का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो है कुल 12 शिकायतें आई, जिसका जो है 9 शिकायतों का त्वरित जो है समाधान तत्काल कर दिया गया और उसमें से 3 शिकायतें जो है विभिन्न विभागों को प्रेषित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है कई स्टॉल भी लगाए गए थे और लोगों की जो भी समस्याएं आई उसका जो है समाधान हुआ। आज 12 शिकायतें में से 9 शिकायतें तो निस्तारित कर दी गई हैं और 3 शिकायतों के लिए विभिन्न समय दिया गया है, जिसमें 10 दिन तक का समय लग सकता है, तो उनको निस्तारित करने के निर्देश दे दिए गए। बाकी जो बहुत संख्या में यहाँ पे ग्रामीण आए हैं और उप जिलाधिकारी महोदय की मुखीमठ के नेतृत्व में ये पूरी आयोजन हो रहा है, तो इसमें जिलाधिकारी निर्देश के क्रम में सब चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं।